हे व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू मिस्टर टेक्निकल। तो भाई IQ 90 हम पिछले कुछ टाइम से यूज कर रहे हैं और इस वीडियो में अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि यहां पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेनुइन और साथ में V1 प्लस डेडिकेटेड चिप मिलती है जो कि डिस्प्ले और गेमिंग के अंदर काम करती है। तो भाई अगर आप देखेंगे 50,000 वाला सेगमेंट, तो इसी के अंदर लॉन्च होने वाला है वन प्लस का 10T। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि अगर आपका बजट लगभग से 50,000 रुपए है, मतलब 50,000, तो आपको क्या IQ 90 तरफ जाना चाहिए या फिर OnePlus 10T आपको बाय करना चाहिए। तो बेसिकली ये वाला स्मार्टफोन आपको दो अलग अलग कलर में देखने को मिलेगा। पहला है अल्फा, जो कि हमारे पास है कुछ इस टाइप से ब्लैक वाले फिनिश के साथ में, और यहां पे मेंशन किया गया है फैसिनेशन मीट्स इनोवेशन। जी हां, जूम करके देखें तो काफी ऐसे मस्त लगता है। और एक और कलर आता है जो कि है लीजेंड, कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा लाइक इस तरह से। तो आपको जो भी पसंद हो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और यहां पे जो आपको डिजाइन देखने को मिलती है, अगर हम देखेंगे यहां पे बैक वाला पोर्शन, तो यहां पे एक्चुअल में दो कलर देखने को मिलता है। एक हल्का ग्लॉसी है ये टॉप वाला पोर्शन, और यहां पे हल्का टेक्सचर्ड भी किया गया है। और अगर हम बात करें इसके बॉटम पोर्शन की, तो यहां पे हल्का मैट वाली फिनिश आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा बॉटम में आपको IQ की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और यहां पे आपको देखने को मिलती है V1 प्लस चिप का लोगो। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर आपको दो प्रोसेसर देखने को मिलता है। पहला जो है वो है स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेनुइन, जो कि लाइक मेन प्रोसेसर है। इसके अलावा V1 प्लस चिप है, जो कि एक डेडिकेटेड प्रोसेसर दिया गया है जिसका यूज बेसिकली कैमरे के ऊपर किया गया है। अगर आप नाइट में ऐसे फोटोग्राफी वगैरह क्लिक करते हैं तो इसका ये यूज है कि जैसे पहले होता था कि प्रोसेस होने के बाद आपको एक्चुअल रिजल्ट देखने को मिलता था, लेकिन V1 प्लस चिप इसके अंदर इनबिल्ट है, तो आपको रियल टाइम में डिस्प्ले के ऊपर आपको वो चीज देखने को मिल जाएगी कि फोटो खींचने के बाद आपको कैसा रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये चीज आप पहले ही देख पाएंगे। और भाई यहां पे मेन पॉइंट ये है कि अगर आप जानना चाह रहे हैं कि स्नैपड्रैगन 8 जेनुइन से स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेनुइन कितना ज्यादा पावरफुल है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने टेस्टिंग करी है 8 जेनुइन और 8 प्लस जेनुइन की। यहां पे आप देख सकते हैं साइड बाय साइड, यहां पे परफॉर्मेंस ड्रॉप मुझे देखने को मिला स्नैपड्रैगन 8 जेनुइन में, उसके कंपैरिजन में यहां पे जो 8 प्लस जेनुइन यूज किया गया है, इसकी परफॉर्मेंस आपको लगभग 35-36% आपको ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। और भाई वो वाले प्रोसेसर का परफॉर्मेंस हीट होने के बाद डाउन हो जाता है, लेकिन यहां पे IQ 90 में आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। क्योंकि यहां पे आपको बता दें कि स्नैपड्रैगन 8 जेनुइन सैमसंग ने बनाया था, और इस बार 8 प्लस जेनुइन TSMC ने बनाया है। और भाई हीटिंग इशू की अगर हम बात करें, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलता स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेनुइन में। तो भाई अभी थोड़ा सा कंपेयर कर लिया जाए IQ 90 को OnePlus 10T से, क्योंकि प्राइस सेगमेंट लगभग से सेम होने वाला है। तो बेसिकली सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेसिंग पावर की, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेनुइन, लेकिन IQ 90 का थोड़ा सा एडवांटेज है क्योंकि यहां पे आपको V1 प्लस चिप देखने को मिलती है। और भाई जैसे कि हमने पहले ही बात की, V1 प्लस चिप होने से थोड़ा सा एडवांटेज आपको मिलेगा स्पेशली नाइट कैमरे के अंदर और गेमिंग के अंदर। इसके अलावा भाई दोनों ही स्मार्टफोन में आपको LPDDR5 रैम देखने को मिलती है, और साथ में UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है। तो IQ 90 में आपको देखने को मिलती है 6.78 इंचेस की डिस्प्ले, साथ में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और ये वाली जो डिस्प्ले है ये है AMOLED E5। तो थोड़ा सा एडवांटेज है अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे OnePlus 10T से, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलती है 6.7 इंच की डिस्प्ले और साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सेम है, लेकिन जो डिस्प्ले का टाइप है वो है AMOLED E4। अब गाइस अगर आप जानना चाह रहे हैं कि E4 और E5 में क्या डिफरेंस है, तो बेसिकली अगर आप कंपेयर करेंगे E4 को E5 से, तो यहाँ पे 25% आपको लेस बैटरी कंजप्शन देखने को मिलेगा E5 के अंदर, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा बेटर बैटरी लाइफ आपको मिलेगी IQ 90 के अंदर। बात करें दोनों फोन्स के ब्राइटनेस की, तो IQ 90 में आपको मिलेगी 1500 nits की पीक ब्राइटनेस, वहीं OnePlus 10T में आपको मिलेगी 1300 nits की पीक ब्राइटनेस। और भाई जो IQ 90 में आपको इंस्टेंट टच मिलता है वो है 1200 hertz का, जबकि अगर आप कंपेयर करेंगे OnePlus 10T से, तो वहां पे सिर्फ 1000 hertz का देखने को मिलता है। तो बेसिकली गेमिंग के अंदर थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिलेगा IQ 90 के अंदर। अभी गाइस बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी की, तो यहां पे आपको देखने को मिलती है 4700 mAh की बैटरी, और साथ में आपको 120 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। अगर हम बात करें OnePlus 10T की, तो वहां पे आपको दी गई है 4800 mAh की बैटरी, वहां पे 100 mAh आपको ज्यादा मिलती है और साथ में 150 वॉट की चार्जिंग मिलती है। अभी गाइस यहां पे बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरास की, किस फोन का कैमरा बेटर है। तो यहां पे जो IQ 90 है, जो प्राइमरी कैमरा दिया गया है भाई, ये है 50 मेगापिक्सल का, और जो सेंसर यूज किया गया है ये है GN5 सेंसर। वहीं अगर हम बात करें IQ 10T की, तो वहां पे भी आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है, और जो सेंसर यूज किया गया है वो है सोनी IMX766। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें सेकेंडरी कैमरास की, मतलब वाइड एंगल कैमरे की, तो यहां पे आपको बेसिकली देखने को मिलता है 13 मेगापिक्सल कैमरा, और OnePlus 10T में दिया गया है सिर्फ 8 मेगापिक्सल कैमरा। तो भाई वाइड एंगल कैमरे की परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस इस फोन में आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे एक एडवांटेज और है, आपको पोर्ट्रेट लेंस देखने को मिलता है स्पेशली पोर्ट्रेट मोड के लिए, विच इज 12 मेगापिक्सल और 20x तक आप जूम भी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें OnePlus 10T के बारे में तो भाई वहाँ पे कोई पोर्ट्रेट लेंस नहीं दिया गया है, सिर्फ 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा दिया गया है। और इस बार OnePlus 10T में कोई भी हैसलब्लेड का कैमरा देखने को नहीं मिलता। और OnePlus का एक चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे ना ऐसे मिड रेंज फ़ोन से, OnePlus के ही मिड रेंज फ़ोन से, तो वहाँ पे भी आपको वही 2 मेगापिक्सल वाला सेंसर देखने को मिलता है। और चूंकि ये फ्लैगशिप डिवाइस है, 50,000 रुपये के अंदर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि भाई कैमरे पे थोड़ा सा OnePlus को काम करना चाहिए था। सो गाइस, अभी बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के गेमिंग फीचर्स के बारे में। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको VC टाइप की लिक्विड कूलिंग देखने को मिल जाएगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा जो लीनियर मोटर वाला सिस्टम है वो इस फोन में ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको डुअल एक्सिस लीनियर मोटर देखने को मिलती है, तो हैप्टिक्स वगैरह आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। बेसिकली अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप कंपेयर करेंगे OnePlus 10T से, तो OnePlus 10T में आपको सिंगल एक्सिस लीनियर मोटर देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये था पूरा कंपैरिजन। और एक चीज़ छूट रही है भाई, ये है टाइप सी पोर्ट। तो 3.5 का जैक किसी भी फ़ोन में देखने को नहीं मिलता, यहाँ पर भी टाइप सी है, वहाँ पर भी टाइप सी है, लेकिन टाइप सी कनेक्टर जो है वो इसके अंदर इंक्लूड करके दिया गया है। OnePlus 10T में शायद से ये आपको देखने को नहीं मिलने वाला। और गाइज एक चीज और मेंशन कर दूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक OnePlus का अलर्ट स्लाइडर। जी हाँ, आपको हर एक फोन में देखने को मिलता था और इसके लिए OnePlus जाना भी जाता था। तो भाई ये जो OnePlus का अलर्ट स्लाइडर है वो आपको OnePlus 10T में इस बार देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या आपको इससे फर्क पड़ता है, बताना जरूर कॉमेंट सेक्शन में। अभी गाइज बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्राइसिंग की। तो ये वाला स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है 49,999 के अंदर, और ऑफर वगैरह अगर आप लगाएंगे ICICI बैंक पे आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ ऑफर्स यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो देख सकते हैं कि आपको ये वाला फोन ऑफर के बाद 45,999 का पड़ेगा। और IQ9T के साथ में एक एक्सचेंज ऑफर भी है, अगर आपके पास Xiaomi या फिर OnePlus लाइक किसी भी ब्रांड के फोन पड़े हैं तो अगर आप एक्सचेंज करेंगे तो आपको 5,000 का एक्स्ट्रा जो है एक्सचेंज बोनस देखने को मिलेगा। तो ये ऑफर भी आप देख सकते हैं। OnePlus 10T का प्राइस अभी पता नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो है 50,000 रुपीज, और हो सकता है कि 1-2 हज़ार का ऑफर वहां पे भी आपको देखने को मिल जाए। तो अगर प्राइस दोनों स्मार्टफोन का सेम भी हुआ तो टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो ये वाला स्मार्टफोन आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि आपको V1+ चिप मिल जाती है और E5 AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, साथ में गेमिंग वाले कुछ एडवांटेजेस भी हैं। तो भाई ये था मेरा एक्सपीरियंस IQ9T के साथ में, और हमने कंपेयर किया OnePlus 10T के साथ में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, और ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।